نحمد ونصلي على رسول الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ पढ़ किताबा इलम दिया ते नाम रख लिया काजी पढ़ पढ़ किताबा इलम दिया ते नाम रख लिया काजी हाथ विच पढ़ के तलवार ते नाम रख लिया गाजी मक्के मदीने घूम आए तो नाम रख लिया हाजी ओ बुलिया सर की कीते जे तू यार ना रख्या राजी जबरदस्त जबरदस्त जनाब मेहमान खुशी साहब सदर तकरीब और उनके साथ आए हुए मेरे मोहतरम मेहमान वादी बना से चेयरमैन राजा महमूद साहब राजा शवाक साहब राजा फरियाज साहब मैं अलियाने का जय की तरफ से और दिलकर जो वादी बना से मोहतरम मेहमान हैं मैं अलियाने इलाका का जय की तरफ से आपको दिल की था गर्मियों से खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपनी तरफ से अलियाने करजई को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मेहमान खसूसी साहब मैं आपको थोड़ा इस किबीले के बारे में मामूली सी ब्रीफिंग दूंगा, वक्त तो नहीं है। 1985 में जब हमारे बुजुर्ग ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की तो उस वक्त बरादरी इज़्म में सियासत बहुत आम थी। उस वक्त बरादरी इज़्म के बुत तोड़े तो हमारे बुजुर्गों ने तोड़े। जब 1985 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त दूसरी तरफ में दवार असेंबली हमारे गुजर बरादरी के भी नहीं थे बल्कि हमारे करीबी रिश्तेदार अल्लाह ताला जनरल शिव करे बशीर इंकलाबी साहब थे जो हमारे बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया था उस फैसले पर वो कायम रहे लेकिन रिश्तेदारी को अहमियत नहीं थी। जनाब मेहमान खुसूसी साहब मैं करजई वालों सुन लो, मैं आपके सामने कुछ चंद मामला रखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करजई जनाब मेहमान खुसूसी साहब मैंने 1994 में मिडिल पास की और गवर्नमेंट हाई स्कूल यहीं में दाखिला लिया तो यकीन जाना वहां जाकर मुझे पता चला कि सरकारी इमारतों के इमारतों की छत भी होती है। हमारे बच्चे यहाँ गुज़श्ता 30 साल से एक दरख्त के नीचे तालीम करते रहे, ना सर्दी का सिस्टम ना सर्दी का इंतजाम ना गर्मी का इंतजाम था। मैं पूछता हूँ कौन जिम्मेदार है? ना जिन्हें अल्लाह ताला ने किस बच्चे की फरियाद सुनी 2021 में इस्लामी बैंक की तरफ से एक स्कीम रखी गई जिसमें अलियाने इलाका के करजई चंद शख्स ने भरपूर मखालफत की। मैं दाद देता हूँ चार नौजवानों को जिन्होंने अनथक कोशिश के बावजूद और काफी जद्दोजहद के बाद उस इमारत को आज इस करजई के लिए इज्जत और शान के लिए मुकर्रर कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जनाब मेहमान खुसूसी साहब जिस तरह एक जमींदार घास इकट्ठा करता है और आंधी और हवा जब आती है तो वो जल्दी से पार डाल देता है कि आंधी हवा में हमारा घास उन हवा आंधी में की नजर ना बह जाए। इसी तरह हमारे स्कूल की गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की हालत आज भी ऐसी है। हमारी बच्चियां जो उस स्कूल पर छत जो टेंट लगा हुआ था उसको बांधी तूफान चलता है तो एक एक तरफ से बांध दिया दूसरी दूसरी तरफ से बढ़ना कहीं ऐसा ना हो कि ये टेंट हवा की नजर ना हो जाए। हमारी डिस्पेंसरी 1991 में सिविल फास्ट एड पोस्ट रखी गई। हमारा डॉक्टर आज भी इस तरह बैठता है जिस तरह पुराने जमाने में एक लाई नहीं होता था, एक दरख्त के साथ शीशा लगा दिया उस तरह रख के बैठ गया कि कोई गाहक आएगा तो बस वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। हमारा डॉक्टर अगर टेबल आगे चार गोलियां रख देता है आज तक हमारी डिस्पेंसरी के मानों को जाएगी ना मिली। जो हमारा 1985 का फैसला था जो कहते हैं कि बहुत काम कराएंगे, हमारी मेन सड़क की बात करें तो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने बेंचा अपनी गाड़ी के साथ रखा हुआ है, बजरी मट्टी डाल के उठा। हमारे किले की रोड हुई थी इसमें 800 फुट बचती थी। जनाब मेहमान खुसूसी साहब
कहीं बाहर गए कि ये 800 फुट मेहरबानी करे हमारा एक साथी मोड़ है उस पर लगा दे, उसमें हादसा भी हुआ है उस पर लगा दे, ना जाने वो 800 फुट कहां जा पहुंची है। हमारी किले की रोड शुरू हुई तो मैंने वजीर दरगाह साहब को कहा कि हमें रोड ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी वो शरारत वाले काम कर रहे हैं, FIR हमारे मुकामी लोगों पर महकमे माल वाले काट रहे हैं, इधर उधर से पत्थर तोड़ ले रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं, कोई जरा इस पर तवज्जो नहीं दी। मालिकियत रकबे में मालक मकान बना रहा है, जंगलात वाले कहते हैं ये निशान गलत है, ये हमारा जंगल का निशान तुमने गलत रखा है, हमने गलत रखा है, तुम्हारा लट्ठा उधर कह रहा है, तुम्हारा निशान उधर कह रहा है। मालक मकान बिला वजह हर बंदे को ज्यादा का निशाना बनाया गया। जनाब मेहमान खुसूसी साहब 2021 में कर्जाई वालों सुनो, ये भी ज्यादा है, अगर हम गलत हैं तो फिर आपका कोई हक नहीं हमारा साथ दें, अगर हम सही हैं तो सबका हक बनता है, कोई पार्टी ना देके साथ दे। 2021 में पूरी आजाद कश्मीर के स्कूल अपग्रेड हुए, वजीर दरगाह साहब का जैसे गुजर हुआ, तादाद के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो उन्होंने नहीं दी, हमारे के लिहाज से भी उन्होंने कहा जी अपग्रेड करेंगे। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या निकला? भूल गए ये रिजल्ट है हमारे स्कूल का। जनाब मेहमान खुसूसी साहब कर्जाई वालों इस चीज का कौन जिम्मेदार है? हमारे 30 पोल आए और मुस्तैदी के पोल एक आदमी को नहीं मिल सका, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे 30 पोल आज भी कोर्ट ली जाकर देखे हमारे 30 पोल की फाइल गया कर्जाई में नहीं मिली, हमने शिकायत की तो उसका जवाब नहीं हुआ। जनाब मेहमान खुसूसी साहब मैं आपकी तरफ मुतवज्जो होता हूं, मैंने अपने घर में इन लोगों की मीटिंग बुलाई है, इन लोगों की मीटिंग में मैंने हर उम्मीदवार असेंबली का नाम लिया, मैंने हर पार्टी का नाम लिया, दूसरी मीटिंग बुलाई मैंने हर उम्मीदवार असेंबली का नाम लिया और पार्टी का नाम लिया, मेरा इरादा आपके साथ नहीं था लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम था शदाब सकम। आज नाम मेहमान खुसूसी साहब मैं जानता हूं आपके खानदान की बेपनाह खिदमात है लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए मैं आपको एक पैगाम देता हूं, मेरी मीटिंग में हाथ खड़े करने के बाद थड़े दी जा रही हैं। सुन लो वो थर देने वाले सियासत के हाथ में लगा सियासत करना, अगर किसी कारकुन के साथ कोई जाती हुई तो मुतवा जवाब दिया जाएगा। नजाकत के बावजूद मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बातें बहुत थी, आज मैं खुद नहीं बोल रहा, मेरा जख्मी दिल बोल रहा है, लेकिन मैं वक्त नहीं है। मेहमान खुसूसी साहब को भी हम सबने सुनना है, एक बात सुन है कि आप जिन लोगों को थट्टे दे रहे हैं ये बात सुनने के लिए, हम जिसके साथ जा रहे हैं ना वो कोई लावारिस नहीं है, ये क्या हुआ पार्टी, ये क्या हुआ जमात? आज मैं कहता हूं राजा याद इंसान साहब को टिकट ना मिलता तो मैं यकीन करता हूं पार्टी को और भी अमीर को मत देता। तो मैं जनाब आखिर में एक शेर पेश करता हूं, ओखा लंघता है वक्त पिछोड़े दा बिन यार गुजारा कौन करे, ओखा लंघता है वक्त पिछोड़े दा बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकता है यारा तो किनारा कौन करे, एक दिन होवे तो लंघ जावे सारी उम्र गुजारा कौन करे, 40 साल गुजारा किता हूं नहीं कोई नीवी का क्या करना क्या। मारा दिन आना के मैं ओ नहीं यार मारा नाना बोलो तो मैं नहीं बोलू, अगर मारा दिन आना के मैं एक माइया से बोल सुनाई पड़ूंगा, कन कहने पांच दाने अपोजिशन वाला दिलो जान दसना को मत वाला तकी भी नहीं जाने।
श्री गुरु खुश हो तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब बिना से आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नहीं जी मैं नहीं बोली कभी, आसिफ जी साहब का अच्छा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मौजूद रे कजाई वाले भी मेरे मौजूद काबिल एहतराम मेहमान हैं, सब लोग खाना खाकर जाना, आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, एक लंगर ही समझ लेना, क्योंकि